नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। छोटा सा वीडियो है, लेकिन छोटा सा वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी मीटर को खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और वो चीज़ कैसे कैसे काम करता है। तो हमने एनर्जी मीटर को खोल लिया और एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझें। सबसे पहले यहाँ पर दो कोर है, एक देखो ऊपर एक कोर कनेक्ट है और नीचे एक कोर कनेक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों जो कोर है, एक कोर सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है। डिफरेंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए ये सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके बीच में देखो एक कॉयल लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इस कॉयल को हम पीसी कॉयल बोलते हैं, मतलब प्रेशर कॉयल या फिर पोटेंशियल कॉयल, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। नीचे दो कॉयल कनेक्ट है, ठीक है, इसे कहते हैं हम करेंट कॉयल, ठीक है। इसका जो टर्न्स है, ये टर्न्स प्रेशर कॉयल से बहुत कम रहता है, लेकिन ये जो कॉयल है, इस कॉयल का थिकनेस जो है बहुत मोटा रहता है प्रेशर कॉयल के कंपेरिजन से, ठीक है। बहुत मोटा रहता है क्योंकि ये जो करंट कॉयल है, एक करंट कॉयल सीरीज से लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो पीसी कॉयल है, प्रेशर कॉयल, इसका टर्न्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका थिकनेस बहुत कम होता है और ये डायरेक्ट इनपुट सप्लाई के साथ पैरेलली में कनेक्ट रहता है, ठीक है। इसका जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, और सप्लाई वोल्टेज घटेगा तो इसका फ्लक्स घटेगा, ठीक है। ये फ्लक्स कांस्टेंट होता है क्योंकि हमारा सप्लाई वोल्टेज भी कांस्टेंट है। अब सप्लाई को इनपुट करने के लिए ये जो दोनों टर्मिनल है, ये जो रेड और एक ब्लैक, ये दोनों है इनपुट का टर्मिनल और ये दोनों है आउटपुट का टर्मिनल, ठीक है। अब ये दोनों कॉयल के बीच में लगा हुआ होता है एल्यूमिनियम डिस्क, ठीक है, यही घूमता है, ठीक है। उसके ऊपर एक शेडिंग बैंड लगा है, ये शेडिंग बैंड क्यों लगा होता है मैं आगे बताऊंगा। और इसके साथ है एक ब्रेकिंग मैग्नेट, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है मैं आगे बताता हूँ, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमने मान लो लोड अभी नहीं लगाया है, सिर्फ इनपुट सप्लाई दिया है, तो सबसे पहले क्या एनर्जाइज्ड होगा, सबसे पहले ये जो पीसी कॉइल है, ये डायरेक्ट इनपुट से पैरेलली में कनेक्ट रहता है, तो ये क्या करेगा, एक फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है। और जैसे ये फ्लक्स जनरेट करेगा, कुछ होगा नहीं, ठीक है, वाइब्रेट थोड़ा एल्यूमिनियम डिप्स थोड़ा वाइब्रेट होगा, कुछ नहीं होगा, घूमेगा नहीं उतना, ठीक है। जैसे ही हम लोड को कनेक्ट करेंगे, इस करंट कॉयल के अंदर से करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होगा। ऊपर पीसी कॉयल में भी एक फ्लक्स जनरेट हुआ है और नीचे करंट कॉयल में भी एक फ्लक्स जनरेट होगा। अब दोनों फ्लक्स क्या करेगा, ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है, ये डिस्क को कट करेगा, ठीक है। कट करने पर क्या होगा, इसके अंदर भी एक एडी करंट फ्लो होगा। अब एडी करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये फ्लक्स क्या करेगा, इस ब्रेकिंग मैग्नेट की वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, लेकिन इसको घूमने के लिए 90 डिग्री लैग चाहिए। अगर ये 90 डिग्री लैग नहीं हुआ तो ये डिस्क घूमेगा नहीं। अब 90 डिग्री लैग कौन होगा, ऊपर का जो पीसी कॉयल है, ये पीसी कॉयल को करंट कॉयल से 90 डिग्री लैग होना पड़ेगा, ठीक है। अब 90 डिग्री ये पीसी कॉयल का फ्लक्स जो है 90 डिग्री लैग नहीं होता है, ठीक है। अब उसी को 90 डिग्री लैग करने के लिए ये जो शेडिंग बैंड है, इस शेडिंग बैंड का यूज़ किया जाता है। शेडिंग बैंड क्या करता है, वो जो पीसी कॉयल का जो फ्लक्स है उसे 90 डिग्री लैग करवा देता है। उसी की वजह से ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है, ये डिस्क रोटेट करना चालू होता है, ठीक है। अब अगर ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट है, ये ब्रेकिंग मैग्नेट को हम हटा देंगे, मतलब एल्यूमिनियम डिस्क से दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो स्पीड है, स्पीड घट जाएगा, ठीक है। तो यही है मेन मैकेनिज्म। जैसे ही ये एल्यूमिनियम डिस्क घूमेगा, और ये डिपेंड करता है, मतलब इसके अंदर कितना एडी करंट फ्लो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब पीसी कॉयल का तो फ्लक्स कांस्टेंट है, वो फ्लक्स तो वेरी नहीं होगा, तो वेरी कौन होगा, एक करंट कॉयल का फ्लक्स। जैसे ही हम लोड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो इस करंट कॉयल से अंदर से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इसका फ्लक्स भी बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, इस एल्यूमिनियम डिस्क को ज़्यादा कट करेगा और इसके अंदर एडी करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जिसके कारण ये ज़्यादा रोटेट करेगा। जैसे ही ये रोटेट करेगा, ऊपर देखो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म लगा है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म क्या करता है, आपका जो कितना यूनिट आप खर्च कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही है मेन फंडा एनर्जी मीटर का। एसी एनर्जी मीटर काम करते, इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर है वो वैसे ही काम करता है। बस तो छोटा सा वीडियो में उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो भाई एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सतर्क रहें।